हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन ईएस एजुकेशन क्लासेज। दिस इज अनिल गोले। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोनार, SONAR, सोनार। सोनार टेक्निक्स क्या होती है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं और इसकी जो वर्किंग है वो क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले जो हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे, वो पढ़े थे एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो चलिए बात करते हैं सोनार टेक्निक के बारे में। सोनार टेक्निक एक अल्ट्रासाउंड वेव्स पर बेस्ड एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसका यूज नेवी के जो शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं, उन पर किया जाता है। तो इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड किया था वो किया था एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, किस किस स्कोप है, इसका कौन कौन सा स्कोप है, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक इसका एप्लीकेशन था सोनार टेक्निक में अल्ट्रासाउंड वेव का यूज किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो, अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है, वेव साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। मोर देन 20 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड वेव, यानी कि हम कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से जिनकी फ्रिक्वेंसी, जिन साउंड्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं। उसे ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकता है, और उसे कुछ स्पेशल एनिमल्स होते हैं जैसे कि डॉल्फिन्स है, कुत्ते हैं, चमगादड़ है, वो इसको सुन सकते हैं। चमगादड़ तो इसका यूज करके अपना शिकार करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए बात करते हैं सोनार टेक्निक। सबसे पहले जानते हैं कि सोनार टेक्निक का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है S फॉर साउंड, O फॉर ऑफ, N फॉर नेविगेशन, A फॉर एंड, एंड R का मतलब रेंजिंग। साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार टेक्निक। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी कभार जो शिप होते हैं, समुद्र पर चलने वाले होते हैं, और नीचे कोई जहाज है, सनकन जहाज, डूबा हुआ जहाज है, जो लापता हो गया, डूब गया समुद्र में, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि वो कहाँ पर है समुद्र। समुद्र की जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि समुद्र में ये इस जगह जो डूबा हुआ जहाज है, सनकन शिप है, वो इस जगह। दूसरी बात कि समुद्र में आइसबर्ग होते हैं, बर्फ़ की चट्टान होती है, कुछ तो हमें दिखाई नहीं देती है, कुछ दिखाई देती है जो कि अंदर डूबी रहती हैं, तो उनका पता हम कैसे लगाएं। अगर वो हमें पता नहीं चले तो क्या इस शिप है हमारा उससे टकरा जाएगा, तो हमें उससे पहले ही उसको पता करना होता है कि ये आइसबर्ग कहाँ है, बर्फ़ की चट्टान कहाँ है, तो उससे हम अपनी शिप की डायरेक्शन चेंज करते हैं इस सोनार टेक्निक का यूज करके। तीसरी बात, कोई पनडुब्बीज है, सबमरीन्स हैं, वो भी पानी के अंदर हैं, उनको भी हमें देखना होता है कि उसकी गहराई कितनी है, उससे भी हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कुछ जो फिशर्स होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो मछलियां पकड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये सोनार क्या है, सोनार एक ऐसी टेक्निक है जो कि शिप पर यूज करी जाती है, जिसका यूज हम समुद्र की गहराई यानी डेप्थ ऑफ द सी, जो वाटर बॉडीज है जो नीचे डूबी हुई है, जैसे कि सनकन जहाज है, डूबा हुआ जहाज है पानी का जो कि डूब जाता है, और उसका पता करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो इट इज डिवाइड टू मेजर डिस्टेंस, यानी कि दूरी मेजर करने के लिए, डायरेक्शन, दिशा और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड क्या है, वो भी हम इस टेक्निक से
पता कर सकते हैं। तो समुद्र की गहराई बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं और डिस्टेंस बता सकते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है, बॉटम ऑफ द सी कितनी है, वो हम इस टेक्निक से बता सकते हैं। और डायरेक्शन बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किधर डायरेक्शन कर रहा है, डूबे हुए जहाज का पता लगा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जिनसे अपन इस सोनार टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसका ये डायग्राम बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हो, इसकी मैं वर्किंग बताता हूँ आपको। ये जहाज बना हुआ है, ये समुद्र का लिव सरफेस है जिस पर ये सिर्फ तैर रहा है, चल रहा है, और ये बॉटम ऑफ द सी है, समुद्र का तल है। अब यहाँ पर ये टेक्निक होती क्या है, कैसे यूज की जाती है? तो ये जो टेक्निक होती है सोनार टेक्निक है, वो दो भागों से मिलकर के बनी होती है। पहली होती है ट्रांसमीटर और दूसरी होती है डिटेक्टर, या हम इसको बोलते हैं रिसीवर। ये दो पार्ट्स होते हैं इसमें मेन। तो जो ट्रांसमीटर, डिटेक्टर और रिसीवर होते हैं, डिटेक्टर को हम रिसीवर भी बोलते हैं क्योंकि ये जो डेटा जो आते हैं सोनार साउंड वेव टकरा करके जो आती है उसका ये इंटरप्रिटेट करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं और एक्चुअल डिस्टेंस का पता लगाते हैं। तो ये सिप है, सिप के बॉटम में नीचे ये ट्रांसमीटर लगा होता है, ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट करना, अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करना, अल्ट्रासाउंड वेव उत्पन्न करना, इसका काम होता है। इससे अल्ट्रासाउंड वेव निकलती है। दूसरा इसके बगल में लगा रहता है डिटेक्टर, जिसको एनालाइजर भी बोलते हैं हम, और रिसीवर भी बोलते हैं। जब साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स किसी से टकरा करके, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती है, तो ये डिटेक्टर उसको कैप्चर कर लेता है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और फिर हमें वो एक्चुअल डेटा प्रोवाइड कराता है कि इसकी डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। तो ये ट्रांसमीटर हो गया नंबर एक, और नंबर दो ये डिटेक्टर हो गया, रिसीवर हो गया। अब क्या होगा कि हमें समुद्र की गहराई पता करनी है, बॉटम ऑफ द सी पता करनी है, तो वो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले इस ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड वेव जनरेट होगी। जैसा कि आप जानते हो अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, या हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 1 किलो हर्ट्ज में 1,000 हर्ट्ज होते हैं, तो 20 किलो में 20 किलो हर्ट्ज से होते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज से इसकी फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है। तो इससे अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस हुए और ये चल रहे हैं इसकी डायरेक्शन, और वो समुद्र की सतह से टकराए, समुद्र का जो बॉटम है, तली है, बॉटम ऑफ द सी से टकराए। जैसा कि आप जानते हो साउंड रिफ्लेक्ट करता है लाइट की तरह, किसी सतह से टकरा करके वापस आता है तो साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है, तो इस बॉटम ऑफ द सी से ये टकराएगा और रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के सीधा जाएगा इस डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर क्या करता है, इस साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसको सही डिस्टेंस है उसको मेजर करता है। तो यहाँ से साउंड वेव, मान के चलिए यहाँ से और यहाँ से इनके बीच की दूरी डी है, तो पहले आई यहाँ से ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस हुए और टकराए, तो यहाँ से डी है इसकी डिस्टेंस, और वापस आए तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी भाई, आने का, जाने का, आने का मान के चलो डी है और रिफ्लेक्ट होकर भी डी है, तो क्या हो जाएगी, 2D हो जाएगी, यानी जो डिस्टेंस है वो 2D हो जाएगी। अब मान के चलिए इसने टाइम लिया टी सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक आने में और रिफ्लेक्ट होता है यहाँ तक आने में इसने टाइम लिया टी सेकेंड, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस को? तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने का तरीका है कि डिस्टेंस को, स्पीड इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब हम यहाँ से स्पीड इक्वल टू निकाले हैं, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितनी कवर की, 2D कवर की, और टाइम कितना है, टी है, तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस क्या निकाला है, 2D इक्वल टू वी इंटू टी, ये लिखा है 2D इक्वल टू वी इंटू टी, क्योंकि हमें समुद्र की गहराई पता करनी है, कितनी दूरी है समुद्र की गहराई की, बॉटम की, तो
टू डी निकाल लेंगे। अब यहाँ से अपन डी की वैल्यू निकालेंगे तो वी इंटू टी अपॉन टू। इस फॉर्मूले के द्वारा हम समुद्र की गहराई का सही सही मेजरमेंट कर सकते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर क्या होती है वो हमको पता रहता है, ठीक है ना। और टाइम है, टाइम दिया रहता है, उनका मल्टीप्लाई करके हम उससे दो से डिवाइड कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको यानी कि बॉटम ऑफ द सी समुद्र की जो गहराई है वो हमें पता चल जाएगी। इस फॉर्मूले के द्वारा डी इंटू डी इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन टू, या ये भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, इससे भी अपन को फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम समुद्र की जो गहराई है वो इस सोनार टेक्निक के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। इसको नेवी वाले बहुत यूज करते हैं अपने जहाज़ों पर लगा के, भाई पता करना कि कौन अंदर चल रहा है। पनडुब्बी सबमरीन्स होती हैं, है ना, और कोई बड़ा एनिमल्स होता है व्हेल वगैरह, उसको पता करना। और चट्टान होती है नीचे, रॉक्स वैली होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, उनका एग्जैक्टली पता करने के लिए कि ये कहाँ पर है, किस डिस्टेंस पर है, तो उसका पता करने के लिए अपन इस सोनार टेक्निक का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सोनार टेक्निक होती है वो अल्ट्रासाउंड वेव पर बेस्ड होती है, अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प होती है उसमें। ये अल्ट्रासाउंड वेव का एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। तो दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।